बाकी है दिवाली और दिवाली कोलकाता का जो बारासत शहर है यहाँ पर तो काली पूजा दिवाली सेलिब्रेशन तो ग्रैंड होता है। सो गाइज आज मैं और मेरा भाई सुदीप हम दोनों आ चुके हैं बारासत का वन ऑफ द फेमस काली पूजा पंडाल का जो प्रिपरेशन देखने के लिए। आप देख सकते हो ये जो तालाब है इसके ठीक सामने है ये बहुत बड़ा विशाल सा ये पंडाल और इसका नाम है नवपल्ली व्यायाम समिति। नवपल्ली व्यायाम समिति का इस बार का थीम क्या है जानेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम दोनों को अंदर जाना पड़ेगा। सो गाइस ये है गेट एंट्रेंस, तो चलिए गेट को खोल कर खुलाइए हम लोग अंदर चलते हैं देखते हैं व्हाट आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आर वेटिंग फॉर अस। So guys, actually you can see that from the Durga Puja, there is a great fight between the traditional style of puja and the theme puja. काली पूजा तक भी ये कंपटीशन चलता रहता है ट्रेडिशनल पूजा और थीम पूजा के अंदर, पर गाइस यहाँ पर बारासत में बहुत सारे तो थीम पूजा भी होते हैं बट बैम समिति में यहाँ पर आकर पता चला ये लोग अभी भी ट्रेडिशनल पूजा के ऊपर जोर देते हैं। इसलिए आप देख सकते हो ये जो पूरा पंडाल है ये किसी थीम पूजा के ऊपर जोर नहीं दिया है, दे आर मेकिंग द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ काली पूजा। और ये देख सकते हो ये काली माता का जो गॉडेस काली का जो टेम्पल मूर्ति तैयार हो रहा है ये पंडाल के अंदर ही तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हो पूरा टेम्पल डेकोरेशन के लिए मंडप डेकोरेशन के लिए काम जोर शोर से चल रहा है और यहाँ पर देख सकते हो जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग वर्किंग टू मच टू मेक दिस पैंडल ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल। सो अब आपको दिखाना चाहता हूँ ये है शायद दिस इज द एंट्रेंस ओवर देयर एंट्रेंस, यहाँ पर लोग आएंगे यहाँ पर देवी माता का दर्शन करेंगे एंड दिस इज द एग्जिट ओवर हियर। अगर बारासत में आ रहे हो आप चेक लिस्ट में लिख लो ये है नवपल्ली व्यायाम समिति, इस शाबिकिया ना इस जो ट्रेडिशनल पूजा को मिस गाइज नहीं करना है। यहाँ पर आपको दो फेमस चीज़ मिलेगा, एक तो ये बहुत बड़ा ग्रैंड काली माता का जो ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगा और जो झूमर यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूमर भी ऊपर लगाया जाएगा। दिस वुड बी द मेन टू अट्रैक्शंस ऑफ दिस पूजा पंडाल गाइज। सो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो पूरा पिक्चर है ये ड्राइंग है ऑफ दिस पूजा पंडाल, आप जस्ट देखिए ये ड्राइंग में ही इतना खास कितना खूबसूरत लग रहा है, एक ग्रैंड रॉयल लुक्स है इस ड्राइंग में। जस्ट सोचिए जब ये पूरा तैयार होके बन जाएगा अब जब आप यहाँ पर आओगे देखोगे तो बाहर से अंदर से कितना खूबसूरत लगेगा। पिक्चर में इतना अगर खास है तो रियलिटी में जब सामने से देखोगे तो आपका तो दिल खुश हो जाएगा। तो देखिए गाइस इतना भव्य मंदिर को बनाने के लिए कितने सारे लोग ये जो आर्टिस्ट है जो बंगाल के डिफरेंट जगह से आए हुए हैं ये लोग 2400 घंटे काम कर रहे हैं टू गिव अ शेप ऑफ दिस ब्यूटीफुल पूजा पंडाल। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है, ये शायद झूमर के लिए ऊपर बैम समिति का ऊपर जो झूमर लगाया जाता है उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो हर तरफ आप देखोगे बिखरा हुआ है लकड़ी बांस के टुकड़े क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, कुछ दिन बाकी है काली पूजा दिवाली उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए जो दर्शनार्थी आएंगे उसको लिए एक सरप्राइज देने के लिए ये काम चल रहा है अभी। आप देख सकते हो दे आर वर्किंग 24/7 टू कंप्लीट देयर वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल।
हो गया ये नौपल्ली बैम समिति का पूजा प्रिपरेशन देखना। अभी हम लोग ऐसे निकल रहे हैं, बहुत जोर शोर से काम चल रहा है और डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। सो यहाँ से अभी निकलने का टाइम है। सो गाइस होप सो यू हैव एंजॉयड दिस एंटायर वीडियो, कैसे यहाँ पर पूजा चल रहा है। सामने देखिए बहुत सारा एक ब्यूटीफुल तालाब भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा है ठीक। इसके सामने ये विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। सो सो गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो गाइस चलिए देखते हैं आगे इंटरेस्टिंग कौन सा और पूजा पंडाल हम लोग के लिए इंतज़ार कर रहा है।